हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि एसआई कैप्चा प्लगइन को वर्डप्रेस ब्लॉग या वर्डप्रेस साइट में कैसे इंस्टॉल किया जाए। इसके लिए मैं प्लगइन में जाता हूँ। ये देखिए, इसका वर्डप्रेस साइट पर डाउनलोड करने का ऑप्शन है। यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं प्लगइन को। ऐड न्यू में जाएंगे अपनी वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। यहाँ पे एस आई कैप्चा टाइप करेंगे, पहला प्लगइन जो आएगा वही एस आई कैप्चा है। ये फ्री प्लगइन है और ये लॉगिन फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, कमेंट फॉर्म, सब्सक्रिप्शन फॉर्म सभी में फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक प्लगइन था जो मैंने बताया था, गूगल रिकैप्चा बाय बेस्ट वेब सॉफ्ट, वो पेड प्लगइन था, फ्री कुछ ही फॉर्म में यूज़ कर सकते थे। बाकी आपको सभी टाइप के फॉर्म में यूज़ करना है तो पेड वर्जन लेना पड़ेगा, जबकि ये फ्री है। इसके लिए देखिए, ये इंस्टॉल और एक्टिवेट किया मैंने। अभी मैं सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाने के बाद इसका ये सेटिंग पेज आया। इसमें जैसे लॉगिन फॉर्म में चाहिए तो उसको टिक मार्क कर देंगे और सभी जो भी लाइंस लिखी हुई हैं सभी को एक एक बार रीड कर लीजिए। किसी में आपको मान लीजिए डिसेबल करना है या किसी में इनेबल करना है तो आप देखकर डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। बाकी किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं करना है, एक बार रीड कर लीजिए यदि आपको कुछ डिसेबल इनेबल करना है तो। उसके बाद सेव चेंजेस करके सेटिंग को सेव कर देंगे। ये मैं सेटिंग सेव करता हूँ। ये सेव हो गई है सेटिंग। अभी हम लोग लॉग आउट करके लॉग इन करके देखेंगे कि कैप्चा आया कि नहीं। ये देखिए, लॉग आउट करने के बाद ही कैप्चा साइन आ गया है, एसआई कैप्चा का मतलब। सक्सेसफुली हम लोगों ने इंस्टॉल किया और एक्टिवेट कर दिया है। सेम आप कमेंट फॉर्म में भी देख सकते हैं।